हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अपडेट यूट्यूब चैनल। करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 10 मई की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं है तो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे जो लेटेस्ट और अपकमिंग वीडियो जो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है बी 9 मई। इस बार 9 मई को ये विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया गया है। इसमें क्या है कि ये हर बार नई मई को नहीं आता है, ये आता है मई महीने के दूसरे शनिवार को या फिर अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। इस साल में दो बार आता है। ओके, इसमें इस बार जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जो थीम थी जिसे लॉन्च किया था वो थी बर्ड्स कनेक्ट अवर बर्ड्स। क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट अवर बर्ड्स। ओके, ये इसकी थीम थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। तो इसका जो आंसर है वो है सी सिल्वर लेक। सिल्वर लेक कंपनी को रिलायंस जियो ने अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है। यहाँ पे बात हो रही है रिलायंस जियो की, और रिलायंस जियो से जो रिलायंस आती है उसने हाल ही में अभी फेसबुक को अपनी 9.99% शेयर्स बेचे हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश हाल ही में चर्चित रहा है क्योंकि उसने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किया है। क्या शुरू किया है? जियो टैग कम्युनिटी किचन। और ये जो कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ये शुरू किया है गूगल के साथ टाइप करके। और यहाँ पे और बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और वहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबाई पटेल। तो ये रही बात उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देखने रहे कि हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने हाल ही ये जो 80 किलोमीटर का ये रास्ता बना है, इसके वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में काफी इजीनेस आ जाएगी। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी जो पैदल यात्री है उसको सिर्फ 80% इंडिया की लैंड से जाना पड़ेगा और सिर्फ 20% चाइना की लैंड से जाना पड़ेगा। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है असम। असम में हाल ही में 2500 सुअरों की मृत्यु हो गई है। किससे? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से। ओके, यहाँ पे बात हो रही है असम की। तो असम ने हाल ही में एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम था प्रज्ञा। जो असम है उसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ की जो सीएम है वो है एस सोनवाल, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। तो चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 6 की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने। इसका जो आंसर है ए राहुल देव। राहुल देव जो है वो पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट बनने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर के ऋण देने की मंजूरी दी है। तो इसका जो आंसर है वह है सी अफगानिस्तान। क्या है इसका आंसर? सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 400 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी की है। तो यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसके जो हेडक्वार्टर है वो है डीसी में, मतलब वॉशिंगटन डीसी में, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। ओके, यहाँ के जो सीएफओ है अंशुला कांत है,
और यहाँ पे और बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल, अफगानिस्तान की जो करेंसी है अफगान अफगानी, प्रेसिडेंट जो है अफगानिस्तान के वो अशरफ गनी। तो ये रही बात अफगानिस्तान की, वर्ल्ड बैंक की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, हाँ 0% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने अपने वर्ष 2021 में। तो यहाँ पे बात हो रही है मूडीज की। ओके, ये जो मूडीज है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। और इसके जो सीईओ है वो रेमंड डब्ल्यू मैकडिनल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसे पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसका जो आंसर है वो है सी, कुमार संगकारा। कुमार संगकारा को पुनः मेलबर्न क्रिकेट का अध्यक्ष किया गया है। यहाँ पे बात हो रही है मेलबर्न क्रिकेट की। जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ये काफी पुराना क्रिकेट क्लब है, यहाँ के जो अध्यक्ष रहे मतलब अभी तक वो पूरे के पूरे ब्रिटिश रहे, लेकिन पहली बार जो कुमार संगकारा यहाँ के अध्यक्ष बने हैं। जो ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो थी 1787 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, पंजाब। पंजाब सरकार ने अभी भी एक निर्णय लिया है कि 10वीं कक्षा के जो छात्र है उन्होंने बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा की है। अगर हम बात करें यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। ओके, और यहाँ के जो सीएम है वो कैप्टन हरमिंदर सिंह है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो इसका जो आंसर है वो है ए, महिंद्रा। महिंद्रा ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यह है कि ड्यू टू COVID-19 की वजह से क्या हुआ है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ की सेल में काफ़ी गिरावट आ गई है। तो इसकी वजह से जो मोटर कंपनीज है उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वो अपने प्रोडक्ट मतलब जो व्हीकल्स है वो ऑनलाइन सेल करेंगी। वहाँ पे पूरे की पूरे सेलिंग, इंश्योरेंस, रीसेल सभी के प्रकार उस ऑनलाइन पोर्टल पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इसका जो आंसर है वो है झारखंड, बी झारखंड। झारखंड ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। ओके, तो झारखंड हाल ही में एक ऐप की वजह से सुर्खियों में था। झारखंड की सरकार ने कोरोना के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का लॉन्च किया है कोरोना सहायता ऐप। क्या नाम है उसका, कोरोना सहायता ऐप। हम बात करें यहाँ पे झारखंड की, झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत सोरेन है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में COVID-19 आपातकालीन प्रक्रियों को लिए ए आई बी ने किस देश को $500 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये है अपना भारत, भारत को दिया है $500 मिलियन का ऋण। तो यहाँ पे बात हो रही है ए आई आई बी की। तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रहता है बीजिंग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है। तो ये जो संजीवनी वाहन विकसित किया है वो है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक संजीवनी वाहन विकसित किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने काफ़ी योजनाएं लॉन्च की थी, जैसे जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, वो भी योजना आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 हवाई अड्डों के आधुनिकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका जो आंसर है वो टाटा पावर। ये टाटा पावर के साथ मिलके जो 27 हवाई अड्डे भारत की उसका आधुनिकरण करेंगे।
ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट था 1500 करोड़ का होगा। और यहाँ पे बात हो रही है टाटा पावर की, तो टाटा पावर का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है नटराजन चंद्रशेखर। तो ये रहा करंट अफेयर्स 10 मई का, इसमें की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी आपने कर लिए तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।